नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग खबर। इस वक्त की मिली ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच ही मुस्लिम समुदाय के लोगों का पवित्र माह रमजान शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों को घर में ही रहकर इबादत करने की गुजारिश की है। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त वीरेंद्र भूषण ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की शुभकामनाएं देते हुए इस लॉकडाउन में घर में रहकर इबादत करने की अपील की। कोल्हान प्रमंडल के सभी नागरिकों को रमजान के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि कोरोना की महामारी को देखते हुए इस अवसर पर होने वाले सभी इबादतों को अपने घर पर ही रहकर करें। शहरी हो या इफ्तार हो, सामूहिक रूप से न करें, अपने परिवार के साथ करें। रमजान के महीने में किसी भी गलत काम को या नियम विरुद्ध काम को करने की मनाही है। इसके अंतर्गत ही आप सरकार ने जो आपको निर्देश दिया है कुरान कोरोना से बचने के लिए, उसके लिए आप निश्चित उन निर्देशों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, समाज को भी सुरक्षित रखिए। किसी भी परेशानी में प्रशासन को सदैव याद रखें। कोल्हान प्रमंडल के सभी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।